गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदिराज मॉडल स्कूल से आपकी क्लास टीचर। बेटा ये आपका नर्सरी का वर्क है स्वर। स्वर बेटा आपको अभी नहीं पता कि पहले आपका स्वर जो अक्षर पहला अक्षर होता है वो आ से अनार होता है। आ से अनार आप लिखोगे कैसे, आप उसको बनाओगे कैसे? तो आप उसको आ से अनार को आप बनाओगे तो बेटा आप उस अक्षर को पहले तोड़ोगे। तोड़ोगे मीन्स मतलब पहले आप उस पेंसिल को उठाना सीखोगे कि कहाँ हमने कितने लाइन तक उस पेंसिल को उठाना है, फिर वो अक्षर आपका कंप्लीट बनता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से जैसे पेंसिल उठा ली है, यहाँ से पेंसिल घुमाई, आप आधा उसको लेके आओ। आधा लेने के बाद फिर आप उसको यहाँ तक टच करो, फिर ये आधा आपका बन गया। फिर उसके बाद आपको इसी प्रकार से दोबारा से दूसरी लाइन में आपको पेंसिल रखनी है, ऐसे ही आपको इसको घुमाना है, नीचे से घुमाते हुए इस लाइन पर टच करना है। और बेटा देखो जो मैंने ये रेड से अलग से इसीलिए खींची है ये लाइन ताकि आपको अलग से दिखाई दे जाए, ये छोटी सी लाइन आपको इसके बीच में से, जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बीच में से आप इसको टच करते हुए यहाँ तक लेकर आओगे। फिर उसके बाद बेटा ये ही वाली शेप आपको दोबारा से पेंसिल लेनी है और ऐसे ही आपको उठाना है, फिर यही बीच वाली सीधी लाइन अंडरलाइन करनी, फिर उसके बाद एक लाइन ओ ऐसे बिल्कुल सीधी, जैसे पेंसिल होती है ना सीधी, इसी प्रकार से आपको सीधी लाइन यहाँ पर खींचनी है और फिर उसके ऊपर आपको सीधी लाइन ऊपर खींच देनी है, फिर आपका ये आ से अनार कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा आप इसको जितनी बार भी आप आ से अनार को बोलोगे, आ से अनार को आप लिखोगे, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर ये आपका आ से अनार बनेगा। ठीक है, ये आ से अनार, तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे अपनी मम्मा से डॉट लगवाओ, पहले वन यहाँ पर, फिर उसके बाद इसको ऐसे घुमाओ। बेटा तोड़ के आपको इसको लिखना है, बिना तोड़े हुए आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो अभी आपने स्वर में आपने आ बनाना सीखा था, आ से अनार। अब हम बेटा अल्फाबेट जो आपकी इंग्लिश में होती है ना ए टू जेड, वो हम आपको ए फोर जिसको आप एप्पल बोलते हो वो हम बनाना सीखेंगे। ए क्या बनाना सीखेंगे? ए। तो ए को हम बनाते कैसे बेटा? पहले तो हम देखो, आपने चार लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक दो तीन चार। पहले तो आप अपनी नोटबुक में देखेंगे कि आप सभी को अपनी नोटबुक में चार लाइनें दिखाई देंगी। अब चार लाइनों में आपको डॉट लगवानी है। अब डॉट लगानी कैसे है? देखो एक तो सबसे ऊपर वाली है, फिर उसके बाद क्रॉस करते हुए नीचे, फिर इसको क्रॉस करते हुए नीचे, आपको ये डॉट लगानी है फर्स्ट लाइन में। फिर बेटा उसको आप बनाओगे कैसे? बनाओगे देखो ऐसे, आपको ऊपर लेके जाना है इस डॉट पर, फिर उसी डॉट को फिर इस डॉट का नीचे लेके आना है। ये बन गया बेटा आपका ए। अभी अब इसके बीच में हम लगाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। अभी आपका क्या बना है? सिर्फ उसकी शेप बन गई। अब उसके बाद देखो नीचे डॉट में, फिर आपको उसी तरीके से लगाना है। यहाँ पर आपको डॉट लगा देनी है, नीचे आपको क्रॉस करते हुए डॉट लगवानी है, फिर नीचे क्रॉस करते हुए, फिर आपको फिर ऐसे ही पेंसिल बेटा आपको उठा लेनी है, यहाँ से आप ऊपर लेके जाओगे और पेंसिल को छोड़ना नहीं है, फिर आप उसको नीचे लेके आओगे। ठीक है, अब ये सेम दोनों शेप एक नजर आ रही है बेटा आपको, दोनों सेम दिखाई दे रहा है। अब फिर हम नीचे वाले हिस्से में जाते हैं, तो बेटा यहाँ पे भी देखो आपको इसी प्रकार से ये डॉट नजर आ रहे होंगे। अब फिर हमने ऐसे ही पेंसिल को रखना है, ऊपर लेके जाना है, फिर आपको नीचे लेके आना है। और जो ये बीच का हिस्सा है, अब बीच के हिस्से में आपको ये वाला हिस्सा दोनों, अब ये वाला और ये वाला दोनों, इन दोनों को आपको पकड़ना है और यहाँ से आपको पेंसिल रखनी है और यहाँ इसको यहाँ तक टच कर देना है, बिल्कुल टच करते हुए ये आपका बन गया ए। क्या बना है आपका ये? ए, ए फॉर Apple, A for apple. Apple जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि हमें सुबह मॉर्निंग में डेली एक एप्पल खाना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपका A कंप्लीट हो गया है। तो बेटा अभी आपने क्या बनाया था? A। फिर उसके बाद आप अपनी काउंटिंग की नोटबुक उठाते हो, मैथ्स की नोटबुक जिसको आप बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो काउंटिंग होती है बेटा गिनती, तो आप काउंट करते हो, जैसे आप फिंगर को काउंट कर लेते हो, या आपके पास और भी कोई चीज होती है खाने की, कोई टॉफी वगैरह होती है, कोई चॉकलेट होती है, तो आप उसको भी काउंट कर लेते हो। तो काउंट गिनना होता है,
ठीक है, तो आप अब आपको वन लिखना सिखाएंगे, एक जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो इसमें आपको आपके ब्लॉक्स देखने हैं, जैसे आपकी नोटबुक में ये ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, तो आपको उसमें हम नोटबुक में टू डॉट लगाना है। आप टू डॉट ऊपर लगाओगे, आप नीचे लगाओगे, इस लाइन से टच करते हुए आपको वो डॉट लगानी है। फिर उसके बाद आपको ऊपर से ये उठानी है पेंसिल, ऊपर से नीचे लेके आना है, ये बन गया आपका, ठीक है, जिसको आप एक बोलते हो इंग्लिश में, वन बोलते हो। ये आपका देखो सीधी लाइन आपने खींची है, तो ये क्या बन गया आपका, वन, ठीक है। फिर बेटा ऐसे ही आपको एक ब्लॉक आपकी नोटबुक में छोड़ देना है, फिर आपको सेकंड ब्लॉक में आपको लिखना है। सेकंड ब्लॉक में भी आप ऐसे पेंसिल ऊपर रखोगे, फिर ऐसे नीचे, बेटा ये नहीं है कि कई बच्चे होते हैं जैसे नीचे से, फिर उसके बाद आपको फिर से ऐसे ही आपको ऊपर पेंसिल रखनी है, फिर आपको ब्लॉक तक नीचे लेके जाना है। ये तो बेटा आपको बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, बिल्कुल सीधी। एक तो ये वन हो गया, एक इस प्रकार से लिखेंगे, फिर उसी प्रकार से आपको बस इसमें थोड़ा सा चेंज आपको करना है। जैसे हमने इसमें लिखा था, जैसे ए लिखा था, तो हमने उसको तोड़ के बनाया था, इसी प्रकार से आपको इस वन को भी दोबारा से आपको इसको, जिसको बोलते हैं ना कि आपने जैसे कपड़े पहने हैं, अब आपने पहले वाली टी शर्ट पहनी है, हो सकता है उसके अलावा आपको कलर अलग से लग रहा हो या फिर कुछ और उसमें नया दिख रहा हो, तो आप दूसरी टी शर्ट पहनोगे। उसी प्रकार से हम ये वन लिखेंगे, ये हम दूसरी प्रकार से लिखेंगे। अब हम ये वन जैसे आपने लिखा सीधा, अब सीधा नहीं बेटा, ये आप यहाँ पे भी इसकी डॉट लगाएंगे और ये डॉट यहाँ तक, फिर इसको नीचे तक। अब ये डॉट हम लेकर गए यहाँ पर, फिर इसको नीचे लेके आए। अब देखो ये अभी भी बेटा आधा बना है, कैसा बना है, आधा। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं। अब आप सोचोगे मैडम ये भी वन है और ये भी वन है, वन दोनों सेम है, बट लिखने का बेटा तरीका अलग है। अगर आप ये वाला वन लिखते हो तो ये आपकी नोटबुक सुंदर नहीं लगेगी, अगर आप ये वाला वन सीखोगे तो आपकी नोटबुक अच्छी लगेगी। हाँ जी, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऐसे, ये वाली पेंसिल उठाएंगे फिर ऐसे, और इस पेंसिल को बेटा हटाना नहीं है आपको, ऐसे करते हुए फिर उसको नीचे ऐसे करते हैं। यहाँ पे भी आपको सीधी लाइन ही करनी है, ये आपका वन हो जाएगा कंप्लीट। कैसा हो जाएगा कंप्लीट, कि आपने पूरा वन आपने बनाना सीख लिया। फिर उसके बाद आपको, अगर आप पेंसिल को बेटा पकड़ते हो, पेंसिल की पकड़ ऐसी होती है कि आपने यहाँ पर जैसे आपने रखी है और यहीं से आपको ऊपर उठा के लेके जाओगे इस पेंसिल को, फिर आप उसको नीचे लेके आओगे, फिर आपको उसको ऐसे कर दोगे और फिर ऐसे कर दोगे, ये आपका वन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका जैसे वन, देखो मैंने फ्लावर बनाए, अब फ्लावर कितनी है, आप जैसे काउंट भी करते हो तो फ्लावर कितने हैं, यहाँ पर वन फ्लावर है। इसको आप गिनते भी हो तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ही पिक्चर बनाई है मैडम ने, ठीक है। थैंक यू।